हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीजें जो मैंने पिक की हैं एमेजॉन से एंड ये सारी चीजें मैंने अपने आप को गिफ्ट की हैं यस yes, मैंने खुद को गिफ्ट की हैं वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है तो सोचा अपने लिए कुछ शॉपिंग की जाए अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने कुछ लिया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो चलिए फिर लेट स्टार्ट विदीडियो ओके सो सबसे पहली चीज जो मैंने ली है वो मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए ली है गिफ्ट करने के लिए सो दिस इज अ बॉक्स फ्राम मैकफेन एंड इसमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें है फेस वॉश कॉफ़ी मास्क बॉडी स्क्रब फेस स्क्रब एक टाल है और एक स्पून है वुडन सो so, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बो है किसी को गिफ्ट करने के लिए मुझे ये सभी प्रोडक्ट्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने पूरी ये किट यूज़ भी की हुई है सो so, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गिफ्टिंग के लिए सभी को पसंद आएगा स्किन केयर एक बहुत ही काम की चीज़ है जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं सो so, आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर खुद के लिए भी ले सकते हैं एंड ये जो बॉक्स है ये तो बहुत ही अमेजिंग है इसको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें स्टोर करने के लिए सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन विच यू कैन गिफ्ट टू योर पार्टनर टू योर फ्रेंड काफ़ी अच्छा सेट है इसमें और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बोज मिल जाएंगे एमेज़ॉन पे मैं अगर आप सर्च करेंगे गिफ्ट कॉम्बोज सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे सो तो आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं सो नेक्स्ट स्किन केयर की ही बात हो रही है तो मैंने लिया है एक ये स्टीमर मेरे पास स्टीमर नहीं था बहुत टाइम से मैं आ, सोच रही थी कि मैं एक स्टीमर लूं अपने लिए यू नो बालों के बालों को स्टीम देने के लिए या फिर फेस पर स्टीम लेने के लिए सो so मैंने एक ये पिक किया है काफ़ी अच्छा है यहाँ से इसमें से स्टीम निकलती है एंड यहाँ पर इसमें पानी डालने का ऑप्शन है सो so, ये स्टीमर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड बहुत क्विकली इसमें यू नो वेपर्स आने शुरू हो जाते हैं सो so, ये काफी काम की चीज़ है हेयर स्पा में आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर स्किन केयर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं सो so, नेक्स्ट है मेरा फेवरेट गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है वो है ये डाइसन एयर रैप यस yes, ये ना मेरी लिस्ट में काफ़ी टाइम से था मैं बहुत टाइम से अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ना ये लेना है बट यू नो मुझे सही नहीं लगता इस पर इतने पैसे स्पेंड करना इसकी जो एम है वो है फोर्टी फोर थाउजेंड यस फॉर अ हेयर स्टाइलर फोर्टी फोर थाउजेंड यार हजम नहीं होती ये बात बहुत ज़्यादा है ये एक ड्रायर के लिए एक स्टाइलर के लिए फोर्टी फोर थाउजेंड बहुत ज्यादा है एंड इसी रीजन से ना मैं इसको ले नहीं पा रही थी और मेरा बहुत मन था कि मैं इसको लूँ बट सिर्फ अमाउंट की वजह से मैंने इसको नहीं लिया बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन सरप्राइज दे दिया उन्होंने एक दिन चुपके से ये ऑर्डर कर दिया एंड जब मुझे रिसीव हुआ तो मैं समझ गई किसने ऑर्डर किया है बट नाउ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है तो ये मेरा फेवरेट तो है ही बट स्टाइलिंग जबरदस्त है इसकी मैंने इसको यूज़ किया मजा आ गया इसको यूज़ करके सो दिस इज़ द मेन डिवाइस इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स लगा सकते हैं सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ फुल डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस कि किस कैसे यूज़ करना, यूज करना है इसके अटैचमेंट्स को कैसे यूज़ करना है मैं पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी मुझे आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना ठीक है सो मेरा जो फेवरेट है वो है इसका ये ये वाला अटैचमेंट तो आपको क्या करना है एक ऐसे स्ट्रैंड लेना है बालों का और ऐसे बीच में से पकड़ना है एंड देन इसको ऑन करके एंड लुक एट दिस तो इस तरह से इसमें कुछ कर्ल्स आते हैं अगर आप कर्ल स्प्रे वगैरह यूज करेंगे होल्ड स्प्रे वगैरह यूज करेंगे तो और अच्छे से आपके जो कर्ल्स हैं वो लॉन्ग uh, लास्ट करेंगे सो so, मैं तो बिना स्प्रे के ही इसको यूज़ करती हूँ एंड फिर भी नेक्स्ट वॉश तक मेरे बाल इसी तरह से रहते हैं बिल्कुल भी स्ट्रेटन नहीं होते हैं कर्ल्स लूज़ नहीं होते हैं जब तक मैं बाल नहीं धो लेती तब तक ये ऐसे ही रहते हैं तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है हेयर स्टाइलिंग वगैरह करना बहुत ईजी हो गया है मेरे लिए सो दैट्स वाई आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट Uh, मैं डेडिकेटेड एक वीडियो पे ज़रूर बनाऊंगी आप मुझे कमेंट करके बताना ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टाइलर्स uh, की हेल्प से आप ये हेयर स्टाइल्स नहीं कर सकते आप बिल्कुल कर सकते हो सेम हेयर स्टाइल्स आप दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके भी कर सकते हो बट द थिंग इज़ के उसमें हीट टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है आपके बाल उसमें ज़्यादा डैमेज होते हैं इसमें बहुत कम डैमेज होते हैं सो दिस इज़ द रीज़न के मैंने इसको लिया है एंड ये बहुत क्विक है स्पेशली जो इसका बैरल अटैचमेंट है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने हल्के हल्के कर्ल्स किए हुए हैं नीचे नीचे अपने बालों को पूरे कर्ल्स नहीं किए सिर्फ सिर्फ नीचे 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 मैंने हल्के हल्के कर्ल्स किए हैं नेक्स्ट है टाइम है। तो है। so, नहीं मिल पाता है उनका ऑफिस शेड्यूल काफी काफी ज्यादा बिजी है तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है साइकिलिंग वगैरह करने का या फिर जिम वगैरह जाने का तो मैंने घर के अन, मतलब अंदर ही वो कुछ ऐसा कर सके एक्सरसाइज वगैरह तो उसके लिए मैंने ये साइकिल ली है क्योंकि वो साइकिलिंग वगैरह ही ज़्यादातर करते हैं सो so, काफ़ी पसंद आई उनको एक्चुअली मैंने उनसे ही पूछा था कि कौन सी वाली लेनी है आप मुझे सर्च करके बताओ क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उन्होंने ये सर्च करके निकाली उनको ये काफ़ी पसंद आई कि प्राइस के हिसाब से वर्थ है एंड क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है काफ़ी स्टर्डी है एंड uh, उसको अब ये रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं चार पांच दिन हो गए इसको यूज़ करते करते सो ये एक मैंने लिया है अपने हस्बैंड के लिए मैं भी इसको कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ वैसे तो मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूं बट uh, हाँ फिटनेस को मेंटेन करने के लिए मैं डांसिंग वगैरह ज़्यादा करती हूँ बट ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इनडोर uh, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो इंडोर ऐसी uh, कुछ एक्सरसाइज के लिए साइकिल वगैरह ले सकते हैं कोई और इक्विपमेंट्स ले सकते हैं अमेजोन पे तो हर एक चीज़ मिल जाती है तो हमने इसको बाहर ट्राई किया था बट बाहर ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में मिल रही थी बट अमेज़ॉन पर हमको ज़्यादा अच्छी डील मिली तो हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर की इसका इंस्टॉलेशन वगैरह भी उसी में एडेड था तो काफ़ी सही लगी मुझे ये काम की चीज़ है तो ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहिए जो काम में आए एक्चुअली ओके सो नेक्स्ट मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली हैं यू नो मेकअप से रिलेटेड ज्वेलरी से रिलेटेड मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले है ये चोकर नेक पीस ऑक्सीडाइज सिल्वर में एंड uh, काफ़ी अच्छे इसमें कलर्स हैं पिंक एंड ग्रीन कलर्स हैं काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये तो इस तरह से इसमें चोकर है एंड इसके साथ ईयर हैं सो ये सेट मैंने लिया है मेहंदी फंक्शन के लिए अभी घर में बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं हल्दी मेहंदी के लिए मुझे कुछ ग्रीन कलर में चाहिए था अपने ड्रेस से मैच करने के लिए तो मैंने ये एक पिक किया है नेक्स्ट मैंने अर्निका के लिए लिया है ये हेडबैंड इसमें ये इस तरह से बीड्स लगे हुए हैं सिल्वर कलर में एंड उसको भी मैंने ये उसके आउटफिट के साथ मैच करके लिया है कलर है तो ये काफी सारी ड्रेसेस uh, के साथ उसका मैच हो जाएगा जितने भी उसके यू नो वेस्टर्न गाउन हैं एंड फ्रॉक वगैरह हैं उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा तो ये मैंने एक लिया है ओके okay गाइस so ये थी मेरी अमेजॉन शॉपिंग फॉर वेलेंटाइंस डे गिफ्ट जो मैंने खुद को ही दिए हैं अपने आप को एंड आई एम श्योर आपको, sure आपको इसमें से कुछ ना कुछ आइडियाज जरूर मिले होंगे जो आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो उनके लिंक्स आप चेकआउट कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी के लिंक्स दिए हुए हैं सभी काम की चीज़ें हैं एंड गिफ्ट ऐसा ही देना चाहिए एक्चुअली जो किसी के काम आए एंड खुद लेना भी ऐसा ही चाहिए यू नो खुद से भी आप अपने हस्बैंड को अपने पार्टनर को हिंट दे सकते हो कि देखो मुझे ये चीज़ चाहिए तो वैलेंटाइंस डे पे मुझे यही गिफ्ट कर दो सो गिव देम हिंट थोड़ा उनको आइडियाज़ खुद से भी दे सकते हो जो चीज़ें आपको चाहिए ना वो चीज़ें आप उनसे गिफ्ट में ले सकते हो एंड अमेजोन पे तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं घर बैठकर आप अपने लिए ये चीजें मंगवा सकते हो सो यार दट सॉल फोर टूडे गाइज लेटमी नो एंड कॉमेंट सेक्शन कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज थम्स अप जरूर देना एंड यार दट सॉल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलती हूँ जल्दी अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर बाय